a very good morning students today we will start chapter number seven the chains of smiles by pedro pablo sacristan now before moving to the chapter first we will read the warm up exercise work in pairs look at these faces which one do you like best say why यहाँ पे देखिए eight faces हैं आपको इनमें से कौन सा face अच्छा लग रहा है और क्यों अच्छा लग रहा है ये आपको बताना है नाउ वी विल रीड द चैप्टर वन डे मिस एलिस गेव द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू सम होमवर्क दे वुड बी हैप्पीनेस कलेक्टर्स दे हैव टू सी वट वुड हैपन वेन दे मेड पीपल हैप्पी एक दिन मिस एलिस ने क्लास टू के स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया कि उन्हें हैप्पीनेस कलेक्टर्स बनना है कैसे वो हैप्पीनेस कलेक्टर बनेंगे उन्हें ये करना है कि जब वो किसी इंसान खुश करते हैं तो उनका फेस कैसा हो जाता है यही सभी बच्चों को देखना था ऑल द स्टूडेंट्स worked वेरी हार्ड बट Carla डिड समथिंग क्वाइट यूनिक शी केम टू क्लास कैरिंग अ बिग सैक सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की मगर कार्ला कार्ला क्लास टू की एक स्टूडेंट है उसने कुछ बहुत ही यूनिक किया यूनिक मतलब कुछ बहुत ही अलग किया वो क्लास में आई एक बड़ा सा सैक लेके ऐसे सी के सैक मतलब होता है बस्ता जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं कार्ला ने अपने हाथ में एक सैक कैरी किया हुआ है एक बस्ता कैरी किया हुआ है वट इज़ दिस कार्ला आग मिस एलिस तब कार्ला से मिस एलिस ने पूछा कि ये क्या है मिस एलिस उनकी टीचर है Here in this bag I have all the happiness I have collected so far," she said, smiling. The Kala हस्ती में कहती है कि ये सारे happiness हैं जो मैंने अभी तक collect ही है। Everyone was eager to know more, but Kala didn't want to show anyone what was in the sack. Instead, she pulled out a box and gave it to her teacher. सभी बच्चे बहुत ही ईगर थे, बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए। कि इस सैक में इस बस्ते में क्या है मगर आ, कार्ला ने किसी को भी कुछ नहीं दिखाया बल्कि उसने एक बॉक्स निकाला और उसे अपने टीचर को थमा दिया पकड़ा दिया शी देन an इंस्टेंट कैमरा आउट ऑफ her ओन पॉकेट एंड वेटेड और उसके बाद उसने अपने पॉकेट से एक इंस्टेंट कैमरा निकाला और वेट करती रही इंस्टेंट कैमरा उन कैमरे camera, उन कैमरा को कहते हैं जिसमें आप तुरंत फोटो खींचकर उसमें से पिक्चर निकल आती है ओपन इट मिस एलिस शी सेड। और तब उसने मिस एलिस से कहा कि आप इस बॉक्स को खोलिए ओपन कीजिए द टीचर स्लोली ओपन द बॉक्स एंड लुक इन साइड तब टीचर ने धीरे से बॉक्स को खोला और उसके अंदर क्या है ये देखने लगी अ बिग स्माइल शोन ऑन हर फेस एक बड़ी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई at that moment, Carla snapped a photo. a photo popped out of the camera. और तभी कार्ला ने उनकी एक फ़ोटो स्नैप कर ली स्नैप मतलब खींच ली और तभी उस कैमरे में से फोटो निकल आया She gave it to Miss Ellis along with a sheet of paper. और उसके बाद कार्ला ने क्या किया वो फोटो लेके उन्होंने Miss Ellis को दिया और एक पेपर भी उन्हें दिया The teacher read it. साइलेंस शी हैिश्ड शी पॉइंट टू दैक और जब उन्होंने धीरे धीरे उस पेपर को रीड कर लिया वन शी हैड फिनिश्ड शी पॉइंट टू द सैक उन्होंने जब अपना वो शीट पढ़ लिया उसमें जो लिखा हुआ था जो कार्ला ने मैं सैलिस को दिया था फिर उन्होंने वो जो बस्ता था उसकी तरफ पॉइंटड किया मतलब उसकी तरफ इशारा किया ओ सो इट इज अच्छा तो ये है येस सेट कार्ला इट इज़ अ बिग चेन ऑफ स्माइल तब कार्ला ने कहा हाँ इट इज़ अ ग्रेट बिग चेन ऑफ स्माइल हाँ ये बहुत ही बड़ा बिग चेन ऑफ स्माइल्स है अब क्या था ये शी ओपन द सेट एंड हंड्रेड ऑफ फोटोज फिल आउट ऑल ऑफ डिफरेंट स्माइल्स ईच वन ऑफ दम ब्यूटिफुल शी ऑल्सो शोड द ओपन बॉक्स टू द स्टूडेंट्स और उसके बाद कार्ला ने वो सैक ओपन किया वो बस्ता ओपन किया और उसमें से बहुत सारी हंड्रेड ऑफ फोटोज गिर गई जो जिसमें सभी लोग स्माइल कर रहे थे और वो सभी फ़ोटोज बहुत ही ब्यूटिफुल थी और उसके बाद कार्ला ने वो बॉक्स ओपन करके सभी बच्चों को दिखाया एवरी वन नाव अंडरस्टुंड हाउ कार्ला हैड मेड सच अ ग्रेट बिग चेन ऑफ हैप्पीनेस और उसके बाद सभी समझ गए कि कार्ला ने किस तरह से ग्रेट बिग चेन ऑफ हैप्पीनेस रेडी किया था इन द बॉक्स वॉज अ फोटो ऑफ बिग स्माइल एक्चुअली उस बॉक्स में एक बहुत बड़ी फोटो थी ऑफ बिग स्माइल मतलब कोई हंस रहा है ऐसा एक इमोजी था एक स्माइल इमोजी था जैसे आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में वार्म एक्सरसाइज में भी फोटोज देखे थे ना ऑफ स्माइलिंग फेसेस वैसे उसमें भी एक बॉक्स में था एवरी वन हु हैड सीन इट हैड ऑल्सो फेल्ट हैपी और उस फोटो को बॉक्स में जिस जिसने देखा था वो सभी खुश हुए थे हैप्पी हुए थे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट दे हैड स्माइल वेन दे सॉ इट बिना कुछ सोचे समझे जब भी उन्होंने बॉक्स में वो स्माइल फेस देखा सभी खुश हुए और हर क्लासमेट्स वर नाउ स्माइलिंग और अभी उसके क्लासमेट्स भी वो बॉक्स देख के और बॉक्स के अंदर वो स्माइलिंग फेस देख के सभी स्माइल कर रहे थे काला टुक अ फोटो ऑफ ईच वन ऑफ देम शी गेव देम देअर ओन फोटो अलोंग विद अ शीट ऑफ पेपर और उसके बाद काला ने सभी बच्चों की एक एक करके फोटो ली और उन सभी को वो फोटो दी और साथ में एक पेपर भी दिया ऑन दिस शीट शी देम टू डू द सेम विद अदर पीपल एंड सेंड अ कापी ऑफ द फोटोज टू हर होम एड्रेस और उस शीट में क्या लिखा हुआ था उस शीट में लिखा हुआ था कि उन बच्चों को भी यही सेम करना है विद अदर पीपल वो सब भी एक स्माइलिंग फेस का फोटो दिखाएंगे सबको और वो फोटो देख के सब स्माइल करेंगे और तब उनकी फ़ोटो लेके वो बच्चे क्या करेंगे कार्ला को उसके होम एड्रेस पे भेज देंगे सेंड कर देंगे फॉर मंथ्स आफ्टरवर्ड्स कार्लाज पोस्ट बॉक वॉज ऑलवेज फुल विद फोटोज ऑफ हैप्पी स्माइलिंग पीपल और इसके बाद कई महीनों तक कार्ला का जो पोस्ट बॉक्स था वो हमेशा फुल होता था विद फोटोज ऑफ हैप्पी एंड स्माइलिंग पीपल क्योंकि सभी उसको फोटो सेंड करते थे ऑफ स्माइलिंग पीपल सो एवरी टाइम यू स्माइल यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस सो इससे हमने क्या सीखा जब भी हम स्माइल करते हैं हम स्माइल के साथ साथ हैप्पीनेस भी अपने चारों ओर बिखेरते हैं और इसीलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारे आसपास के लोग भी हमसे प्रभावित हो और हमेशा खुश रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग